हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एंट्रॉक TBS 125 वाला स्कूटी का पिछला टायर को कैसे चेंज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पुराना टायर जो काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसे हम हटा निकाल दिए और इसमें हम अब TBS का नया टायर इसमें हम फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये TBS का टायर है 110/80/12। ये जो पिछला टायर का साइज़ है 110/80/12। तो आप देख सकते हैं कि ये TBS टायर है, जेन्यून टायर है। तो इसके हम एरो के भी देखेंगे और इसके डेट को भी देखेंगे, जो ये 2022 का बना हुआ है और ये 13 वीक है ये। तो चलिए हम इसे फिट करते हैं। तो फिट करते वक्त इसका जो तीर है उल्टा सीधा का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये इसका तीर बिल्कुल सही है। तो अब इसे हम फिट करते हैं। तो फिट करना बहुत आसान है, बस उल्टी सीधी का ध्यान रखें। तो ये अब लगभग फिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये टायर फिट हो चुका है। अब इसमें हम हवा डालेंगे, क्योंकि इसका ये रिम भी ट्यूबलेस है, टायर भी ट्यूबलेस है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसका ये एयर जो हवा है खुद, इसका बीट भी इसका आराम से ये हो जाएगा। तो ट्यूबलेस टायर को खड़ा कर इसमें हवा डालें, क्योंकि इससे जल्दी इसमें हवा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि खड़ा होते ही टायर में जब हवा डाला गया तो इसका बीट पकड़ चुका है। तो ये टायर फिट हो चुका है। तो पिछला टायर है ये। तो आपको ये तरीका कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें हवा डालना है 40। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।